नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज का जो वीडियो है ये क्वेश्चन दिया है कि हाउ टू एक्सपांड जनरेटिंग फंक्शन फॉर द लीजेंडर पॉलिनोमियल 1 माइनस ट्वाइस एक्स टी प्लस टी स्क्वायर रेस टू माइनस 1 अपॉन 2 नॉट माइनस रेस टू 1 अपॉन 2 इन द पावर ऑफ टी। टी के जो फॉर्म है विद्यार्थी मित्रों, उसमें वो कैसे आंसर आएगा, तो चलिए देखते हैं कि टी का पावर वाला आंसर कैसे आएगा। तो चलिए कैसे सॉल्व करते हैं। लेट सपोज वी नो दैट, आपको पता है कि समेशन ओवर वी नो दैट जनरेटिंग फंक्शन क्या है, समेशन ओवर पी एन ऑफ एक्स टी एन इज इक्वल टू 1 माइनस 2 एक्स टी प्लस टी स्क्वायर रेस्ट माइनस 1 अपॉन 2। ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर ऑफ 1 माइनस 2 एक्स टी प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ओवर पी ऑफ एक्स टी एन बराबर। विद्यार्थी मित्रों, तो मान लीजिए कि ये जो टर्म है इसे ऐसा कर सकते हैं, देखते हैं अभी। लेट सपोज मान लीजिए कि ये जो टर्म है इसमें ऐसा कर सकते हैं, वी हैव 1 माइनस ऐसा टी स्क्वायर माइनस 2 एक्स टी बराबर बराबर है ना, अंडर ऑफ माइनस 1 अपॉन 2 ऐसा लिख सकते हैं, और 1 अपॉन अंडर ऑफ 1 माइनस माइनस मतलब इधर 1 प्लस 1 माइनस टी स्क्वायर माइनस प्लस 2 एक्स टी बराबर है ना, ऐसा लिख सकते हैं। मान लीजिए कि 1 प्लस एक्स रेस टू एन, इसका आंसर क्या आता है, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स का प्लस एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब बराबर। एन प्लस एन एक्स प्लस एन एन प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल सॉरी 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, इसे कहते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन, बाइनोमियल एक्सपेंशन बराबर, बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो मान लीजिए कि एन की वैल्यू एन इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 है, और एक्स की वैल्यू एक्स इज नथिंग बट डॉट मतलब इधर ऐसा लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर माइनस 2 एक्स टी बराबर, एक्स की वैल्यू क्या है टी स्क्वायर माइनस मतलब ये टर्म ऐसा लिख सकते हैं। तो चलिए पुट करते हैं 1 प्लस एन की वैल्यू माइनस 1 बाई 2 एक्स की वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 2 एक्स टी बराबर, इधर क्या आएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू इधर क्या आएगा टी स्क्वायर माइनस 2 एक्स टी राइट, बस सफिशियंट है। नेक्स्ट हायर ऑर्डर टर्म इधर कह सकते हैं हायर ऑर्डर टर्म, तो चलिए ये सॉल्व करते हैं। 1 प्लस इधर क्या आएगा माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस इधर क्या आएगा 2 टू कैंसल माइनस प्लस एक्स टी इधर क्या आएगा 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 टू इधर माइनस 3 बाई 2 माइनस 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 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 प्लस 3 बाई 4 टी रेस टू 4 माइनस 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर टी नॉट एक्स स्क्वायर टी क्यूब माइनस 4 सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर
मतलब इसका जो आंसर है ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर का जो आंसर है स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा मैंने निकाल लिया बराबर। इस देख मित्रों इसका आंसर क्या आएगा, वन माइनस टी स्क्वायर टू प्लस एक्स टी थ्री अपॉन एट, टू फैक्टोरियल का आंसर क्या होता है टू, थ्री रेस टू फोर माइनस फोर एक्स टी क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर। आंसर निकाला अभी देखते हैं इधर क्या आएगा, वन माइनस एक्स की टर्म जो जो है एक्स की टर्म एक्स वाले टर्म वो कॉमन निकाल देंगे, वन प्लस एक्स टी टी स्क्वायर वाला टर्म कौन सा कौन सा है और है माइनस टी स्क्वायर अपॉन फोर, इधर क्या आएगा किंचक बारह चार दो आठ थ्री अपॉन टू, थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर बराबर। ऐसा टर्म निकाला इधर क्या आएगा माइनस थ्री अपॉन टू एक्स टी क्यूब बराबर, इधर क्या आएगा प्लस थ्री फोर टी रेस्ट फोर, ऐसा मैंने लिख लिया इधर मित्रों। अभी देखते देखते है प्रॉब्लम पूरा नहीं कट करूंगा वाई साइमल्टेनियसली, तो चलिए समेशन और पी एन ऑफ टी एन इज इक्वल टू पी जीरो टी जीरो प्लस पी वन टी वन प्लस पी टू टी टू प्लस पी थ्री टी थ्री बराबर। तो कंपेयर विथ इसे कहते इसे कहते इसे मान लीजिए एक, इसे मान लीजिए दो, से तीन ये चार, कंपेयर इक्वेशन थ्री एंड फोर बराबर। मतलब कि क्या कि इक्वेशन थ्री और फोर जो है वो कंपेयर कर सकते हैं, तो मान लीजिए कि पी जीरो की वैल्यू क्या होगी वन बराबर, पी वन की वैल्यू होगी एक्स, पी टू की वैल्यू होगी एट्टी वन और एटी, और अभी टी स्क्वायर की वैल्यू देखते हैं थ्री बाय टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाय फोर बराबर, और टी क्यूब पी थ्री की वैल्यू क्या होगी, और भी टर्म निकलेंगे तो भी चलेगा बट माइनस थ्री बाय टू एक्स बराबर। आई लव फिजिक्स, दैट इज पी जीरो इज नथिंग बट वन, पी वन इक्वल्स टू एक्स और p2 equals to 1 by 2 3x square minus 1 by 2, ऐसा ही आएगा इधर मित्रों। थ्री बाई टू नॉट इधर इधर क्या आएगा ही थ्री बाई टू टी स्क्वायर अपॉन फोर नॉट थ्री बाई टू, यस पी जीरो की वैल्यू वन आई, पी वन की वैल्यू एक्स आई, पी टू की वैल्यू वन बाई टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, ऐसे ही कंटिन्यूस फॉर्मूले शो करूंगा इधर मित्रो। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको अच्छा वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए विद्यार्थी मित्रों, धन्यवाद।